विनायक चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा यह कथा सुनने और पढ़ने मात्र से होती है भगवान गणेश की अद्भुत कृपा एक समय की बात है कि भगवान शिव और माता पार्वती जी नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे वहां पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव के साथ चौपट खेलने की इच्छा व्यक्त की भगवान शंकर ने इधर उधर देखा और माता पार्वती से कहा पार्वती हमारी हार जीत का साक्षी यहाँ पर कौन होगा तब माता पार्वती जी ने तुरंत ही कुछ घास के तिनके बटोरे और उनका एक पुतला बना दिया साथ ही में उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी और कहा बेटा हम चौपट खेलना चाहते हैं किंतु यहाँ पर हार जीत का साक्षी कोई नहीं है अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा खेल आरंभ हुआ और संयोगवश माता पार्वती जी की तीन बार विजय हुई अंत में जब उस बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तब उसने महादेव जी की विजय हुई ऐसा बताया यह सुनकर माता पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उस लड़के को लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया इस पर उस बालक ने हाथ जोड़कर माता से क्षमा याचना की उसने कहा हे माँ, जो हुआ वह अज्ञानता वश हुआ कृपा करके आप मुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय उस बेचारे बालक की याचना को सुनकर ममता मई माता के हृदय में उसके लिए दया की भावना आ गई और फिर उपाय बताते हुए माता ने कहा कि अभी कुछ ही देर में यहां पर नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आएंगी तुम उनसे गणेश व्रत का उपदेश लेकर मुझे प्राप्त करोगे ऐसा कहकर माँ कैलाश पर्वत के लिए अंतर ध्यान हो गई एक साल व्यतीत हो जाने के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई उन कन्याओं से उस बालक ने व्रत की विधि पूछी और 21 दिन तक इस व्रत को किया व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने उस बालक को दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से अति प्रसन्न हूं तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांगो तब बालक ने कहा हे विनायक आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत तक पहुंच सकूं और मुझे देखकर मेरे माता पिता प्रसन्न हो सकें। उस बालक की कामना को पूरी कर तथास्तु कहकर भगवान गणेश वहां से अंतर ध्यान हो गए फिर वह बालक कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और वहां जाकर भगवान शिव को अपनी पूरी कथा सुनाई उस खेल वाले दिन से माता पार्वती जी भगवान शंकर से भी विमुख हो गई थी इसलिए यह कथा सुनकर भगवान शंकर ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का यह व्रत किया जिसके प्रभाव से माता पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई जैसे ही माता के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई शीघ्र ही माता कैलाश पर्वत पर आ पहुंची वहां पहुंचकर कर माता पार्वती जी ने शिव जी जी से पूछा कि प्रभु आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फल स्वरूप मैं आपके पास भागी चली आई तब भगवान शिव ने गणेश व्रत की कथा उन्हें कह सुनाई अब माता पार्वती जी के हृदय में भी कार्तिके से मिलने की बड़ी ही प्रबल इच्छा थी तब उन्होंने 21 दिन तक इस व्रत को किया और 21 21 की संख्या में दुर्वा पुष्प और लड्डुओं के साथ गणेश जी का पूजन किया इक्कीसवें दिन कार्तिकेय जी स्वयं ही माता से मिलने के लिए पधारे और अपनी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर स्वयं इस व्रत को किया कार्तिकेय जी ने विश्वामित्र से मिलने के लिए यह व्रत किया विश्वामित्र ने भी जब इस व्रत का महात्म्य सुना तब उन्होंने गणेश जी से जन्म से मृत्यु होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा गणेश जी ने उनकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की ऐसे ही श्री गणेश जी हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं धन्यवाद